mí muévete. Que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete. Que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Goa aquí. रशियन विलेज के जंगलों में 20 किलोमीटर दूर रशियन की सीक्रेट न्यू ईयर पार्टी। हे गाइस, दिस इज अर्जुन एंड यू आर वाचिंग आइकॉन ट्रैवल। इस व्लॉग में दिखाऊंगा सीक्रेट रशियन न्यू ईयर पार्टी जंगल के बीच में, जहां मैंने सेलिब्रेट किया मेरा न्यू ईयर, एंड दूंगा पूरा बजट एंड इन्फॉर्मेशन ऐसी पार्टीज की। मैंने पहले भी गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेट करा है। बड़े क्लब्स में 4,000 से 5,000 एंट्री होती है, भीड़ में धक्के लगते हैं, एंड इस साल तो आधा इंडिया गोवा में था, तो उन पार्टियों का हाल इस साल तो और भी बुरा था। एंड इसलिए मुझे किसी सीक्रेट रशियन पार्टी में जाना था, वो भी जंगल में। बट उसको ढूंढना एंड एंट्री में नेम ऐड कराना थोड़ा मुश्किल था। बट मैंने एक पार्टी ढूंढी, मुझे पार्टी मिल गई रशियन माफिया। इस पार्टी आज मेरे चीते और 1000 में नेम ऐड करा लिया। ये पार्टी गोवा की रशियन विलेज, जो शहर से काफी दूर है, उसके जंगल के बीच में थी, लिटरली एक पेड़ के नीचे। ये एक रियल जंगल पार्टी थी, बहुत ज्यादा रॉ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फालतू क्राउड नहीं था, सिर्फ फॉरेनर्स के ग्रुप वाले लोग थे। मुझे एक भी धक्का नहीं लगा। 60-70% फॉरेनर्स थे इस पार्टी में। सब लोग बेयरफुट या विदाउट शूज डांस कर रहे थे, एंड द फीलिंग वाज एक्सटैटिक। डांस वाली स्पेस के पीछे घना जंगल था, एंड डीजे का सेटअप एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे हैरी पॉटर जैसा लग रहा था। ये लिटरली वो पार्टी थी जहां मैं होना चाहता था न्यू ईयर पे। न्यू ईयर काउंटडाउन भी इतना अलग था इस पार्टी का। यूजुअली पार्टीज में बहुत शोर शराबा होते हैं, बट यहाँ का काउंटडाउन आई एक्चुअली एंजॉयड। गोवा में मैंने 3 दिन स्पेंड किए वैगाटोर में, और आज 31 दिसंबर का दिन है। Hey guys, what's up? Guys, मैंने जंगल हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है। मैं निकल रहा हूँ आरंबोल बीच के लिए। आज 31 दिसंबर है, न्यू ईयर ईव है, इसलिए मैं शहर से बाहर आरंबोल जा रहा हूँ न्यू ईयर की सीक्रेट पार्टी अटेंड करने के लिए। आरंबोल यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, और मेरे पास ये बैग है और मैं ऐसे जा रहा हूँ। मैंने कोई हॉस्टल होटल कुछ भी बुक नहीं किया, एंड मैं सनसेट से पहले पहुंच गया। तो मैं फाइनली आरंबोल पहुंच गया हूं। तो यहां पे एक काफी अच्छा पार्टी वाला हॉस्टल है, मैं दिखाता हूं। ये मैंने बुक किया है 1000 रुपए पर नाइट में। इसका नाम है नमस्ते। आरंबोल पे रशियंस बहुत ज्यादा थे। यहाँ से बीच वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं स्कूटर नहीं लेके जा रहा, बट इतना देसी क्राउड इस साइड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। आरंबोल तो शहर जैसा लग रहा था। December 31st. सनसेट के बाद मैंने शैक्स चेकआउट किए। वहाँ वो लोग बैठे थे जो शायद अपना न्यू ईयर किसी शैक पे बैठ के ही बनाएंगे। तुम ही ओ,
बीच पे घूमने के बाद अब मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। 9 बज चुके हैं टू गेट रेडी फॉर द न्यू ईयर्स पार्टी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए एरम बॉल की हिप्पी मार्केट में मैंने फिश थाली खाई ताकि पार्टी के लिए थोड़ी एनर्जी आ जाए। तो गाइस मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ रशियन पार्टी के लिए। न्यू ईयर ईव 10:30 बज रहे हैं, हमें गोवा में एरम बॉल एंड आपको दिखाता हूँ कि कैसी होगी वो पार्टी। पहले प्री ड्रिंक थोड़ा। और मैं रशियन पार्टी में जाने से पहले मैं एक ऐसी रैंडमली बार में आ गया जहाँ पर मैं एक ड्रिंक पी रहा हूँ। सारे ठेके एकदम बंद कर दिए, सब लोगों को न्यू ईयर बनाने जाना है। मैंने यहाँ पे जल्दी आया, मैंने बोला रम का एक 90 ml बना दो। बट जंगल में इस पार्टी को ढूंढना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली मैंने पार्टी ढूंढ ली 2 किलोमीटर का जंगल का रास्ता कवर करने के बाद। गाइस तो मैं अंदर आ चुका हूँ ये पार्टी के अंदर। ये देखो ये पेड़ है और पेड़ के नीचे सब डांस कर रहे हैं, बहुत ही रॉ पार्टी है। जब ये पार्टी मिली और मैंने इस पार्टी में एंट्री करी, मुझे नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ गई। इस पार्टी की सबसे क्रेजी बात ये थी कि यहाँ पे कोई अल्कोहल स्मोक कुछ भी नहीं था। यहाँ पे फूड स्टॉल्स थे और वो खाना रशियंस खुद बना के लेके आए थे घर से। उसके बाद का डांस सेशन था जहाँ पे म्यूजिक बहुत फास्ट हो गया था और म्यूजिक आई वेंट क्रेजी। एक घंटे के उस डांस सेशन के बाद हैरी पॉटर स्टाइल में मेडिटेशन वाला सीन था। मैंने लाइफ में पहली बार न्यू ईयर की रात को जंगल के बीच में मेडिटेट किया, वो डेफिनेटली बहुत पीसफुल था। वरना यूजुअली न्यू ईयर पे इस टाइम तक ऐसा सीन हो जाता है कि अगले दिन कुछ याद भी नहीं रहता कि लास्ट रात को क्या हुआ। Let's give him a love shower. Okay. Yes. Love, 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 love. फिर बॉनफायर के पास सब चिल करने लगे और अराउंड 4 बजे मैं यहाँ से बाहर निकल गया बीच पे डिनर करने के लिए। लिटरली दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट न्यू ईयर पार्टी जहाँ मैं गया। लाइक द वीडियो अगर कुछ नया देखा, कमेंट करके बताना इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड अंटिल देन लेट्स आइकॉन ट्रैवल। आई लव यू ऑल। Tu mala santa ya sabe cómo es.